लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा ही जब हमें अपने भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान करना पड़ेगा, और इससे पहले कि ये वक्त हमारे पास खुद चल के आए, हमें इसके पास दौड़ के पहुंच जाना चाहिए। शुरुआत में समझदारी से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत होती है। रोज आना, रोज लगे रहना हमारी आदत हो जानी चाहिए, और आदत बहुत लंबी चलने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम है। एक या दो दिन में आदत बन ही नहीं सकती, उसके लिए तो हमें डेली ही बिना रिजल्ट की चिंता किए बस चलते जाना होगा। क्योंकि वो टाइम जब हमारा वर्तमान हमारे भविष्य से एक कदम पीछे हो जाएगा, वो टाइम बता के नहीं आएगा। इस वक्त के लिए तो हम बस खुद को तैयार करते रह सकते हैं, जैसे किसान अगली फसल के लिए और जवान जंग के लिए। 18 से ऊपर होते ही तुम्हें वोट डालने की अनुमति होती है ना, मतलब अडल्ट हो जाते हैं हम। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब बचपन पीछे रह जाता है, तब हमें अपने बचपने को भी एक नया रूप देना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हर कोई 18 साल का 18 साल की उम्र में ही हो। कुछ लोग पहले तो कुछ लोग बाद में बड़े होते हैं। मुद्दा ना बड़े होने का है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, मुद्दा दोनों के एहसास के होने का है। जब हमें एहसास होने लग जाएगा कि अब बस बहुत हुआ, आज के बाद से मैं ये गलती फिर दोबारा नहीं करूंगा, कोई भी मसला हो उसका जवाब ढूंढने के लिए मैं अपने पैरों से कुछ दूर तो चलूंगा ही चलूंगा, मुसीबत कितनी भी पड़ी हो मैं उसके अंदर कोई ना कोई सुराग ढूंढ ही निकालूंगा। अगर पहुंचना ही मेरे लिए सबसे जरूरी चीज हो जाए, तो मैं उस पहुंचने के सफर को ही अपनी जिंदगी का सफर बना के चलूंगा। पहुंच पाया तो ठीक है, वरना इस सफर से तो कई चीजें मैं सीख कर ही बाहर निकलूंगा।